नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। नीट रिजल्ट मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका दाखिल की है। एनटीए ने अलग अलग उच्च न्यायालयों में नीट यूजी परीक्षा के खिलाफ लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। आपको बता दें कि एनटीए ने याचिका में कहा है कि देश के 7 हाईकोर्ट में नीट यूजी परीक्षा के खिलाफ याचिकाएं दाखिल हैं। ऐसे में अगर अलग अलग सुनवाई होती है तो आदेशों की वजह से छात्रों के बीच भ्रम बढ़ेगा, इसलिए हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। एनटीए ने दाखिल याचिका में कहा है कि देश के 7 हाईकोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की हैं। ऐसे में अगर अलग अलग सुनवाई होती है तो आदेशों की वजह से छात्रों के बीच भ्रम बढ़ सकता है, इसलिए हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया है। डॉक्टरों में प्रवेश परीक्षा नीट विवादों में है और इसी विवादों में छात्रों की बड़ी जीत हुई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा रिजल्ट में अनियमितता को देखते हुए एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ग्रेस मार्क रद्द करने और 1563 छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने के आदेश दिए हैं। नीट परीक्षा रिजल्ट विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। नीट एग्जाम में धांधली को लेकर दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें एनटीए ने नीट में ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है। यानी जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क मिला था उनकी दोबारा परीक्षा होगी। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ग्रेस वाले 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द होंगे, 1563 छात्रों के पास परीक्षा का ऑप्शन होगा, रिजल्ट के बाद इसकी काउंसलिंग होगी, सिर्फ ग्रेस मार्क्स वाले ही ये परीक्षा दे सकते हैं। 23 जून को इन सभी छात्रों की परीक्षा होगी और 30 जून से पहले रिजल्ट आ जाएगा। ग्रेस मार्किंग को लेकर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी साफ किया कि जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के उनके ओरिजिनल मार्क्स दिए जाएंगे। एनटीए के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एनटीए ने छात्रों की बात मान ली है, एनटीए ग्रेस मार्क को हटा रहा है, छात्रों का डर दूर करने के लिए फैसला लिया गया है, लेकिन हम काउंसलिंग को रोक नहीं पाएंगे। 8 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। अब ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों के पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो दोबारा परीक्षा देंगे या फिर ग्रेस मार्क्स हटाकर काउंसलिंग में जाएंगे। दिस इज पार्शियल विक्ट्री, ऑनरेबल कोर्ट ने सुना दोनों साइड को और काफ़ी रीजन्ड ऑर्डर किया और वी आर पार्शियली सेटिस्फाइड एंड आई थिंक द बैटल विल स्टिल गो ऑन। उनको नोटिस दिया है एनटीए को कि आप जवाब दीजिए, डिटेल जवाब दीजिए। ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है, तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। हम 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता ने एनटीए पर सवाल उठाए, ग्रेस मार्क्स को लेकर एनटीए को घेरा, वहीं परीक्षा में पेपर लीक होने का दावा किया कि एनटीए ने ग्रेस नंबर देके खुद नहीं बताया था, हमने पकड़ा था 707, मैं यही वर्ड यूज करूंगा, पकड़ा था, खुद से नहीं बताया है। तो क्या एनटीए इस तरह की और भी बहुत सी चीजें कर रहा है जिसके बारे में पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन नहीं है? दूसरी बात, सिर्फ उन्हीं बच्चों को अपॉर्चुनिटी क्यों मिली ग्रेस मार्क्स की और उन्हीं को अब क्यों री एग्जाम मिल रहा है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंच गए पेपर के बाद? बहुत सा बच्चा गांव देहात का है, शहर का भी है, जिसको नहीं पता पेपर लिखने के बाद मुझे माननीय हाईकोर्ट जाना होता है, तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन दिखता है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो केस है वो अभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ऑन रहेगा, वो चलता रहेगा, पर हाँ मान लेते हैं काउंसलिंग हो जाती है, एडमिशन हो भी जाता है, तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि वी हैव ऑल द पार्ट्स, अंत में अगर कुछ प्रूफ होता है तो हमारे पास सारी शक्तियां हैं। मामले को लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नीट एग्जाम देने वाले बच्चों और अभिभावकों ने भी पेपर लीक होने की बात कही और सीबीआई जांच की मांग की। मुद्दा भटकाया जा रहा है पेपर लीक से, ये पूरा जो मुद्दा है ये पेपर लीक का है, वरना ये कम से कम 15,000 से 20,000 बच्चों का मुद्दा है, वरना इतनी रैंक इन्फ्लेशन हमने किसी साल में नहीं देखी। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए,
क्योंकि सरकार को कैसे पता है? दिस इज ऑल प्लान्ड बिकॉज उसकी वजह से सिर्फ जो ग्रेस मार्क्स है वो हट जाएंगे और पेपर लीक का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। और पहले भी एनटीए डिनाई कर चुका है और बार बार डिनाई कर रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि मेन इशू इज पेपर लीक और पेपर लीक की वजह से ही हमारी रैंक इतनी आगे बढ़ी है। नीट के रिजल्ट पर जारी विरोध के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है, मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक जैसी घटना से धर्मेंद्र प्रधान ने साफ इनकार किया। जो घटना हमारे सामने आई निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा, लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक नहीं, बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। दरअसल 6 सेंटर्स के 1563 अभ्यर्थियों को समय खराब होने के चलते पहली बार ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, लेकिन सवाल तब उठा जब एक साथ 67 छात्र टॉप कर गए और इन सभी छात्रों को 720 में 720 नंबर मिले, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नीट से जुड़ी बड़ी खबर, बिहार ने एनटीए पर आरोप लगाया है कि वो एक पेपर लीक के मामले में जांच में सहयोग नहीं कर रही है। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिस यूनिट नीट पेपर लीक मामले में जांच कर रही है और ईओयू ने आरोप लगाया है कि एक तो एनटीए उसको नोटिस का जवाब नहीं दे रहा है और वहीं पर उन्होंने अपना जवाब बुधवार को ईमेल के जरिए भेजा है तो वो भी आधा अधूरा है। नीट पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नीट पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पेपर लीक पर परीक्षा का पंगा बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया। नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन 1563 छात्रों को कम समय के एवज में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनके लिए दोबारा एग्जाम देने का ऑप्शन दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एनटीए ने इस बाबत नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक 5 मई 2024 को जिन छात्रों को लेट से ओएमआर शीट मिली थी और जिसके एवज में उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, उन 1563 छात्रों को 23 जून 2024 को परीक्षा देने का मौका दिया गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि सवाल अभी भी हैं। आरोप परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी करने, पेपर लीक करने और तो और नतीजों से छेड़छाड़ करने तक का है। एनटीए सरकार के इस पर अपने दावे हैं, लेकिन ये सवाल अब भी बरकरार हैं। और ऐसे ही एक मामले की जांच बिहार में चल रही है। दरअसल बिहार में इकोनॉमिक्स ऑफिस यूनिट यानी कि ईओयू एक मामले की जांच कर रही है। बिहार में व्हाट्सएप पर नीट का पेपर वायरल होने का आरोप है। आरोप ये भी है कि परीक्षा शुरू होने से पहले छात्रों को उत्तर मुहैया करवाया गया था। पटना के शास्त्री नगर थाने में पेपर लीक होने की एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। 17 मई को कथित पेपर लीक का ये मामला ईओयू के पास पहुंचा। दावा है कि शुरुआती जांच में पाया गया है कि बिहार में ये पेपर लीक नहीं हुआ बल्कि हरियाणा और राजस्थान के पास किसी जगह से लीक होने के बाद बिहार के सेंटर्स के पास व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा था। और दावा ये भी है कि कुछ चुनिंदा लोगों तक नीट के पेपर को व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाया गया जो बाद में वायरल हो गया। पटना के ईओयू का दावा है कि उन्होंने इस बारे में एनटीए को नोटिस जारी किए, 3 बार नोटिस जारी करके एनटीए से अहम तथ्यों पर जानकारी मांगी। दावा है कि एनटीए ने बुधवार की रात ईओयू को ईमेल पर नोटिस का जवाब दिया। पटना ईओयू के मुताबिक एनटीए ने जो जानकारी भेजी है वो आधी अधूरी है। दावा किया गया है कि सिर्फ कुछ छात्रों की ही जानकारी एनटीए ने भेजी है।
ईओयू के मुताबिक एनटीए ने कई मूलभूत सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। दावा है कि एनटीए ने ऐसे सवालों को नजरअंदाज कर दिया जिससे जांच में मदद मिल सके। दावा है कि वो जवाब नहीं दिए गए जिससे पेपर लीक के मूल स्रोत तक पहुंचा जा सके। दरअसल ईओयू ने एनटीए से पूछा था कि प्रश्न पत्र किस प्रेस में छपे थे, एक प्रेस या ज्यादा प्रेस में छपे थे, किस कंपनी या एजेंसी को प्रेस से अलग अलग राज्यों में पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। पूरी प्रक्रिया के बारे में एनटीए के किस स्तर के कितने पदाधिकारियों को जानकारी थी, विशेष रूप से बिहार में प्रश्न पत्र को लाने और इसके अलग अलग जगहों पर मौजूद परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जवाबदेही किसे सौंपी गई, ये सारे सवाल पूछे गए थे। हालांकि नीट मामले में सियासी किरदार भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस जांच पर सवाल खड़े कर रही है और सरकार गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? सारे विषय पारदर्शिता, वो जिस तरीके का पारदर्शिता होनी चाहिए उस विषय को सामने लाएंगे। आप चिंता मत करिएगा, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं बच्चों के गार्जियंस को यानी अभिभावकों को ये आश्वस्त करता हूँ कि ना इंसाफी किसी के साथ नहीं। वहीं गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनटीए के अधिकारियों से मिलने पहुंचे और उसके बाद उन्होंने साफ किया कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है और उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ, कहां है प्रमाण हुआ है? एक कोई एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी और कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी। मसला 23 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का है। ग्रेस मार्क्स रद्द होने से अगर कुछ छात्रों में खुशी है कि इससे कम से कम कट ऑफ नीचे आएगा, तो वहीं उन छात्रों में नाराजगी है जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और अब उन्हें फिर से परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। ₹720 में ₹720 अंक लाने वाले 67 छात्रों ने नीट यूजी 2024 को टॉप किया है और उन पर उंगली उठ रही है। इन्हीं में शामिल है इज्जर के गांव चमनपुरा की अंजलि यादव। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क को रद्द कर दिया है और दोबारा परीक्षा देने का ऑप्शन दिया है, तो अंजलि का कहना है कि वो दोबारा परीक्षा देने के लिए तैयार है, लेकिन अंजलि के घर वाले इस फैसले से खुश नहीं है और वही कुछ और छात्र हैं जो इतनी जल्दी परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। दोबारा पेपर हो रहा है रीनीट को, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझे और दोबारा से तैयारी करके जितना अपना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट देने की कोशिश करें। जो वहां पे हमारा टाइम लॉस हो गया था, अब उसको यहाँ पे कंपेंसेट करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा फील हो रहा है कि टाइम कम मिला है अभी, कि 9 डेज आफ्टर मेरा फिर से यदि रीनीट हो रहा है तो थोड़ा सा भी एक्सटेंड हो जाता है टाइम, तो फिर भी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती थी। बच्चे जो अभी दोबारा टेस्ट देंगे, इनकी गलती क्या है? या तो सभी का टेस्ट दोबारा होना चाहिए या फिर इनका टेस्ट नहीं होना चाहिए दोबारा। एग्जाम तो ठीक से ही हुए थे, नीट ने कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, कुछ एग्जामिनेशन लेट होने के कारण से, जहाँ एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं है, पेपर लीक की कोई खबर नहीं है, ये बिना बात के हवा उड़ाई जा रही कि पेपर लीक हो गया। 24-25 लाख बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी बात के लिए जानी जाने लगी है कि इनकी सरकार के अंदर पेपर लीक होते हैं और जब पेपर लीक होता है तो वो बगैर ताकतवर लोगों की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। निश्चित तौर से इसके अंदर कुछ ना कुछ ताकतवर लोगों का हाथ होगा, इसके अंदर बड़ा भ्रष्टाचार होगा।